यार, और गोपाल जी आज आपकी मूवी रिलीज हुई है जी जी तो साउथ की बड़ी फिल्म है जी जी मुंबई में रिलीज हुआ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत एक्साइटेड हूँ, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज टाइगर नागेश्वर राव एक तेलुगु फिल्म है जिसको मैंने हिंदी में डब किया है और मैंने डबिंग भी डायरेक्ट की है, सारी वॉइसेस की परफॉर्मेंस भी करवाई है, आई एम द डबिंग डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो आप जब इस फिल्म को देखेंगे ना तो आज तक इंडस्ट्री में जितनी भी डबिंग हुई है अकॉर्डिंग टू ऑल बिग फिल्म्स, आई चैलेंज अगर आप उसकी क्वालिटी और हमारी फिल्म की क्वालिटी को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर की तरह उस पूरे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके एक्टर्स को परफॉर्म करवा रहा था, ना कि डबिंग कर रहा था। मैंने एक शब्द तेलुगु का चेंज नहीं किया है, एज इट इज जैसा डायरेक्टर ने लिखा है उसी तरह से उसी इमोशन के साथ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके महीनों की मेहनत करके वो किया है। एंड आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा लोगों को, आज भी मैं फिल्म देख के निकला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हैदराबाद में तो खैर रिकॉर्ड तोड़ रही है, शोज बढ़ रहे हैं, हाउसफुल चल रहा है, इट्स अ ब्लॉकबस्टर, मतलब दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट पुष्पा KGF। सो वामसी सर ने इसे डायरेक्ट किया है, दो फिल्में ऑलरेडी वामसी सर कर चुके हैं जो सुपरहिट थी, और वो आदमी मणिरत्नम है, उस आदमी का सिनेमा मतलब आप जादू है, और रिवर्स स्क्रीन प्ले है पूरी फिल्म में, आपको कहानी बाद में पता लगती है, पहले वाला सीन पहले दिखता है। तो 3 घंटे की फिल्म लेकिन 1 सेकंड के लिए आप बोर हो जाएं तो मैं मुछें उड़वा दूंगा, तो ये जादू है। और वो साउथ का जो कल्चर है, म्यूजिक है, और मैंने बिना उसको हार्म किए हुए उसको पूरी फिल्म को यूपी में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सुल्तानपुर से हूँ तो उसमें अवधि टच मैंने दिया है, रवि तेजा साहब की आवाज को, नुपुर और सारे कैरेक्टर्स उसमें हैं, अनुपम खेर साहब हैं, मुरली जी हैं। तो ये मेरी 3री फिल्म है मेरी डबिंग कंपनी की, पहली फिल्म कब्जा थी कन्नड़ा की जो आई थी किच्चा सुदीप की, उसके बाद दूसरी फिल्म गांधी मर्डर थी जो हॉलीवुड फिल्म थी, अवतार का मेन विलन और मैं, हालांकि उसमें एक्टर भी था, मैं एक्टर हूँ तो उसमें नाथूराम गोडसे था मैं। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, अगर आपने देखी हो धूम 3, गब्बर इज बैक, स्पेशल 26, आई एम वेरी फेमस फॉर सावधान, इंडिया क्राइम पेट्रोल एंड मेनी शोज। फिर कदारम कोंडन मैंने फिल्म की थी कमल हसन की, विक्रम के अपोजिट, जिसमें मेन विलन था, और हॉलीवुड की फिल्म ये गांधी मर्डर तो थी। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि मैं मुंबई के जो डबिंग कंपनी है ना, कल रात को मैं चूरन खा के सो गया था, मुझे नींद आ गई थी, उससे निकाल के, और जो एबनॉर्मल एक्टर्स हैं जो मिलते के, ओ कैसे भाई तुम और ठीक ठाक हो, सबको कट ऑफ करके एकदम जो NSD में पढ़ाया जाता है, FTI में पढ़ाया जाता है, थिएटर में पढ़ाया जाता है, उस लेवल की परफॉर्मेंस करवा के एक्टर से एकदम रियल फिल्म बनाना। तो आई एम वेरी थैंकफुल, आई गॉट अ वेरी गुड फिल्म और मैंने जान लगा दी है। मैं पिछले 30 दिन में सोया ही नहीं हूँ, 30 घंटे सोया हूँ शायद, क्योंकि मैं 18-19-20 घंटे बेरत कर रहा था अपने एक्ट्रेस के साथ। मतलब मैं एक एग्जांपल अगर दूं तो एक सीन था जिसमें एक एक्टर को मैंने बुलाया परफॉर्म करने के लिए, उसकी बहन का रेप हो रहा है उस सीन में, तो उसमें वो कहता भैया इसको छोड़ दो, भैया भैया इसको छोड़ दो। मैंने कहा व्हाट इज दिस, तुम्हारी बहन का रेप हो रहा है तुम उसको भैया बोलोगे? नंबर 1, नंबर 2 ये तुम्हारा इमोशन होगा? मैंने कहा इमेजिन मैं रेपिस्ट हूं, मैं तुम्हारी बहन का रेप कर रहा हूं, हाउ विल यू रिएक्ट? एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज सेइंग मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो भैया, एंड ही वाज क्राइंग, हिज टीयर्स आर रोलिंग डाउन। सो आई एम ट्राइंग टू मेक टेक दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस इन सिनेमा एंड व्हिच विल चेंज द फेस ऑफ डबिंग इन मुंबई इन इंडिया। So that is my motive. I have theater background. I worked last 22 years in films, movies. I worked with everyone. I understand. Aamir sir ke saath maine 3 filmein ki hain, chahe wo Talash ho, Dhoom 3 ho, Thugs of Hindustan ho. Akshay sir ke saath maine kai sari filmein ki, chahe wo Action Replay ho. Main sare actors ko janta hu. Maine Kamal Hassan sir ke saath kaam kiya hai, Nasir sir ke saath kaam kiya hai, Mani Ratnam ke saath kaam kiya hai. To bas yahi prarthna hai aap sabse, ek bar film dekhiye. You will fall in love with Tiger Nageshwar Rao. और Tiger Nageshwar Rao एक असली चरित्र है, 1980 का एक चोर जिसने 20 टन अनाज 5.5 मिनट में लूट लिया था, बहती नदी पे ट्रेन के ऊपर रस्सियां फेंक के, नाव के अंदर पूरा वो लूट के गांव में बांट दिया था क्योंकि गांव वाले बाढ़ पीड़ित थे। टाइगर नागेश्वर राव ऐसा आदमी था जिसने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर में चोरी करने, और वो पीएम हाउस में आया था और चोरी करके गया था सर। ये सब फिल्में हैं, उसके नाम पे स्टुअर्टपुरम नामक एक गांव है जो पूरे वो गांव बसा हुआ है आज भी, वो पूरी सिटी उसके नाम पे है और उस सिटी में उसको टाइगर नागेश्वर राव बोलते हैं। तो इट्स अ रियल स्टोरी लाइक स्पेशल 26, लेकिन कमाल का ड्रामा, कमाल का सिनेमा,
So just experience this. This is beautiful film, and which is coming from Telugu. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.